हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक ग्रिल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन जनरल का टिकट मोबाइल से कर सकते हैं। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और UTS सर्च करना है, जिसका मतलब है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। UTS डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे लॉगिन करेंगे तो आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इसे रजिस्टर करना है और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। क्योंकि मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है, इसलिए ये इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको लॉगिन करने के बाद। अब मैं आपको जल्द बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसमें अपना टिकट बुक करना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहला ऑप्शन जो इसमें अवेलेबल है वो है नॉर्मल बुकिंग, सेकंड ऑप्शन है क्विक बुकिंग, थर्ड ऑप्शन है प्लेटफॉर्म बुकिंग, सीजन बुकिंग एंड QR बुकिंग। तो आपको बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन पे जाना है नॉर्मल बुकिंग, फिर आपको बुक ट्रैवल एंड पेपरलेस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपको पेपर नहीं चाहिए प्रिंट करने के लिए तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज़ आपके पास सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसमें आपको एक प्रिंट होकर रिसिप्ट आएगी, उसे आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, बट आप फर्स्ट ऑप्शन को भी ले सकते हैं और आप टिकट चेकर को इसलिए भी दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको डिपार्ट फ्रॉम यहाँ पर अपना स्टेशन का नाम डालना है, लाइक बनारस डाल दीजिए और गोइंग टू यहाँ पे आप अपना स्टेशन डाल दीजिए लाइक गया जंक्शन। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे रूट पूछेगा वाया वाराणसी मुगलसराय, वाया वाराणसी मुगलसराय, आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद गेट फेयर पे एक बार क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फेयर लिख कर आ जाएगा कि आपके जो टोटल चार्ज लगेंगे वो हैं 85 रुपीज़। ये आप ऑफलाइन जब टिकट काउंटर से ख़रीदेंगे वो फेयर, और जो आप यहाँ से टिकट लेंगे दोनों फेयर सेम रहता है, इसमें कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लगता है। तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन तरीके से। इसे के पेमेंट करने के लिए आपको दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक है रिचार्ज वैलेट आर वैलेट और दूसरा है अदर पेमेंट। अगर आपको अपने आर वैलेट में पैसे ऐड करने हैं तो आप यहाँ क्लिक करके उसमें वॉलेट में ऐड कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अदर पेमेंट के थ्रू भी जा सकते हैं। अदर पेमेंट के थ्रू जाने के बाद आपको बुक टिकट का ऑप्शन आएगा, आप बुक टिकट पे क्लिक कर दें। बुक टिकट करने के बाद आपको किस इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर कर पेमेंट कर सकते हैं। कि अभी टिकट बुक नहीं करना है इसलिए हम इसे कैंसिल कर रहे हैं। और अगर आपको ये चेक करना है कि अगले कुछ घंटों में कौन सी ट्रेन है तो यहाँ पर वो भी दिखाता है, काइंडली चेक अवेलेबिलिटी ऑफ अनरिजर्व ट्रेन बिफोर टिकट बुकिंग। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि किस टाइम पे ट्रेन है आपकी, उसके बाद आप इसी के अकॉर्डिंग अपना टिकट बुक कर सकते हैं। इसमें एक और फीचर है, वो ये है कि अगर आप प्लेटफॉर्म से 20 किलोमीटर के अंदर हैं तभी आप इस टिकट को बुक कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप के थ्रू, और आप ट्रेन से कुछ दूर पर ही रहेंगे तभी आप इसे बुक कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये लोकेशन नहीं बता पाएगा, जिस वजह से आपको थोड़ी परेशानी होगी टिकट बुक करने में। तो इस बात का ध्यान रखें कि 20 किलोमीटर के रेंज के अंदर होना चाहिए और स्टेशन से थोड़ी दूरी पर हो तब होगा, तब भी जाके ये टिकट सक्सेसफुली बुक होगा। आशा करते हैं इस वीडियो में बताई गई आपको बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको टिकट बुक करने में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।